मुजाहिदी का मतलब बेटे चार और हिस्सा तीन। ये जमाने में अगर बात के खोह निकल जाओ मास्टर भैया तो जरा तो लखा हो अपनी लाठी उठा लेके माई रूहे तू मेरा सुन जाए मेरा माई रूहे बाबू है वही कोख से पैदा मानी हमने का चार भाई बने जा हिस्सा तीन कैसा मार होई मार ना होई फौदारी होई फौदारी ना होई मर्डर का संभावना लेकिन देखी सिद्ध करता नहीं हम बेटे चार और हिस्सा तीन फरमाई सुबह बगीर का सुनी आए भैया इकट्ठे हो बाबा भाई कितनों बढ़िया जोड़ा होके लेकिन एगो पुत्र अगर गोद में नहीं खे तो जोड़ा का कोई कीमत ना साल भर दो साल तीन साल चार साल जा जा तो बगल का पड़ोसी को ना पता का करता रह सो आज बोल हिलाता है कुछ हो तो नहीं खे लगा तक नहीं है हो मैं तो चार ठेसन खुचुरी रह सो कुछ अगर चल तारा लाओ के गई ले आगे साइड से चल रहे मैंने बड़ा पर मजबूरी जमाना को दे चार साल ना भयल उठको ढक तो कभी कहता हूँ कि चांद नहीं चांद रोशन करे रात को नारी का मर्द कहलाता श्रृंगार है पूर्ण पानी से गंभीर बहती नदी गोद की रोशनी पुत्र उतार है बोरे अमराई से वृक्ष लद जाते हैं बढ़ती मानो सरनाम का तत्व है जिंदगी जिनकी चर्चा न जाती संसार से भूख बा कि कितना ज्यादा भोजन कर ले केहू के भूख बा कि कितना हमार प्रतिष्ठा बढ़ जाए आ केहू के भूख बा कि चाहे भले ही समाज में लात खाई कितना धन बचो लेकिन एक नंबर पर उहे हो एक नंबर पर उहे हो एक नंबर पर के जे प्रतिष्ठा से इज्जत का दुख आई तो कभी जी अगर तर्ज बड़ा बेजोड़ लिखले बानी बड़ा कुल गजल कह वाली बात अब तर्ज यहाँ बिरहा में बड़ी बेजोड़ लगल बुल्लू उस्ताद के जमाने में जब हमसे कार्यक्रम भयल तो बुल्लू उस्ताद बड़ा जोर काम है गीत के भले सर गाव लगा कि I'm gonna make you mine, baby.
तोड़ना
तोड़ना हा तो फिर जब खोल के देखा सब तो नीचे लिखल बा कि बेटा मारपीट मत करिया जा कोनो देश के कोनो न्यायी धर्मी प्रतापी राजा के हाथ चल जाए हाथ जगा कर न्याय दे दे ही कोनो हारे मरते तो मना कर ले बड़ा भी कके मना कर ले बा कबाऊ जी मना कर ले बड़ा झगड़ा मत कर जासो तो चल चल जा के ने चले के तो राजा राजदेव का नाम उन दिनों सुर्खियों में था चलते हैं राजा राजदेव के नगर की ओर प्रस्थान के लिए विरह में तर्क कितना बढ़िया बा देखिए गीत में शालीनता महुआ बनर्जी और भरत शर्मा व्यास का बहुत पहले को गीत टी सीरीज से आई है जब हमार कैसे चलत रहे टी सीरीज में का गीत आई है लेकिन कहाँ चल कि राजा अरे राजा राजा देवी अरे बकरिया चारों भैया कि राजा राजा देवी बकरिया चारों भैया हो अभी कचरा अचारी बाबा अरिया रास्ता में बनवट जमीन बा पातर पगडंडी रास्ता गई बटे शहर भाई को वही बड़ा भाई रोक दिया कि रुको का है का गई बा यही जब बुद्धि को पहचान ले ले जा आज जब बुद्धि में फेल हो जाई वही का हिस्सा ना रही जरा तरह बड़का बड़का के तो हम ही शुरू कर देंगे कहा शुरू करो कहा जरा तरह भैया से जरा तरह रास्ता से का गई बा का गई लोग को तो बुद्धि के का गरीबा हम बताओ कि ज्ञान पर पहली है बड़का कहे लो उतवा गरीबा कहरिया भाई लो जरा तरह दे रहे ये रास्ता से का गरीबा ऊंट गरीबा तो दूसरा आई तो अभी हटो बा फिर कहला हाँ ऊंट गरीबा लेकिन उतवा पना दे रहे चीनी के चीनी के कसरिया तीसरा आए तो गुने लगे के इधर कहा ऊंट गई बा इधर कहा
चीनी लागल बा पति सरका कहत के हां भाई हो उतावो गइल बा लेकिन ओकरा पर चीनी लागल बा लेकिन एक चीज नहीं खेखा तीसरा बोलल तीसरा रावत आके भैया ठीक है जरा कहला कि उठ गई बात अरे तेरे कहा कि व्यापारी चीनी ला दल बात बाबू आवत आ गया छोटका होने को पेड़ कजा धर के लटका के दावत आ झूले के सहरा सुन नहीं सकता झूले तक के दिल धर सकता भला किसी सार जो छोटका के बोला तुम के सुनू फिल्मी दा तले हमरे का अपन बुद्धि के परीक्षा दे दे बने जा तू अपन परीक्षा दे कह के हम परीक्षा दे दे तो तीन जना ढोई दे बने जा करा का परीक्षा दे मेरे साला सुन तो छोटका बात तक ठीक कहला बड़का भैया कहला कि उठ गई बाय रास्ता से उसे छोटका भैया कहला कि उठवा पछि नहीं लादल बा हां लादल बा और उसे छोटका भैया कह रहा कि ओकरा संग व्यापारी नहीं खे सही बात बा लेकिन जो उठावा गईल बा जरा तो जो उठावा पायल का पायल बड़का भैया कल के साला तू नहीं तू किस दम तड़े कह के गरियावा मत जैसे तू जल रहा हो तो हम कल हमार मुहे लग बे कह मुहे ना हां ऐसा का बात है का बताऊं बस तर्ज लग गई बनारस के अच्छे नाचे वाली रहल बड़ी सुंदर नाचत रहल पढ़ल लिखल पोछर मारे लोग सिखाम लेकिन बहुत बढ़िया गावे साक्षात सरस्वती उसके गले में थी वो खैरुल्ला भाड़ के मंडली में नाच नृत्य किया करती थी नृत्यांगना तो थी ही लेकिन नाच से जबरदस्त उसकी गायकी के लोग फैन थे दीवाने थे आशा आशा राजा क्या गाती थी जल करो मदा
आदरणीय वीरेंद्र यादव भैया पुरस्कार देने वाले भैया के प्रणाम। वाह, अरे वो बता रहे अरे हम लोग राजा के लड़के हैं, कल की मतलब तोहरों की शक्कर से चिल्हा था सीन में हाल के पकड़ाई पड़ जा सरस कुमार बदले बड़ा सा घूम घूम भू भू कुल फूटल बा तोहर उनका तो लोग कितना राजा का लड़का हो कहां रे साले। हम लोग राजा के दरबार में जा रहे हैं राजदेव के राज नजदीक है आपन विपत का मार बन जा फैसला अपन करवावे जा तनी जा पेपरिया कलश की तो जान छोड़ब ना वही दरबार में हमारो फैसला होई। तो कवि जी कहता है कि पहेली पहेली मेलल पेली कल्पना हा पहेली मेलल पेली कल्पना करती विवाद बनावटी ना करती विवाद केवल किस्मत खड़ी अकेली दरबार में आके चारों खड़ा भइल व्यापारिया आगे पहुंच के राजा को गोर धके बार में बाप छाती पे टांग लिया। अरे क्या हुआ कौन हो कर व्यापारी सरकार का रोने का कारण कली चारों छोर हमार बदले उठ चला के बेदल सरकार और उठवा के अलावा
ਉਹਨੂੰ ਪੂਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। चारों राजकुमार के सन्मुख पाला बोला उठ पाव की और कटे तार निशानी थी। इसी तरह पहचान गया कोई न था सकाई चीनी लेदर का व्यापारी नहीं थे अब उठवा के वो खीरा देखे रे सारा एक तो सिद्ध होता है कि सारे तुम लोग चोर हो। पहला बोला उठ के पाव की गद्दी दार निशानी थी। इसी तरह पहचान गया कोई ना खास कहानी थी। आप राजा हुआ हे रास्ता से बलुआ जमीन बाटे ध्यान दिया भैया भैया बस तो भैया हे रास्ता से बलुआ जमीन बाटे भैंस गईल बा कि घोड़ा गईल बा आ कि हाथी गईल बा आ कि ऊंट गईल बा पता ना चले बा पद चिन्ह देख के जान गई सरकार। बड़का से राजा कहला कि तुम साइड हट जाओ। तुमने तो पद चिन्ह देख करके पकड़ लिया कि इस रास्ते से ऊंट गया। लेकिन दूसरा से पूछ रहा कार्य दूसरा चल लादो का तैयार किया चल लादो चल लादो तैयार हो जाओ निकालो हंटर मारो पहले सालों को दस हंटर। तो सरका कल मरबा बाद में पहले बतिया प्रश्नवा का जवाब सुनना टिका कर कैसे जल रहे हा कि उठवा पछि ई तो कर भैया तो जान गए कह दल सकी गद्देदार देख के पद चिन्ह देख के जान गए तू कैसे जल रहे कि चीनी गिर रहे। अरे चीनी लगा लगा तब बतावा था दूसरा। अरे दूसरा बोला दूसरा बोल खोल के सही जी करिया राजा ज्ञानी हो। अरे दूसरा बोल खोल के सही जी करिया राजा ज्ञानी हो। अचीनी भैया कालवा के ऊंट गए बा हम कैसे जमे कि चीनी ला दलिया फर टहरिया जो मतवा घोही रहे तो चीनी हे ही रहे तब कहता चीनी का कर जमीन ऊपर हमको पड़ा दिखाई हो। इसी तरह पहचान गया तो बोलन गौर बढ़ाई हो। तुम भी हट जाओ कैसे समझ तू कि
पिछड़ा बोलल रहतर जब व्यापरिया राजा ज्ञानी हो त कैसे चीनी गिरत घर पर व्यापरिया संगवर रोई हां तो छेदावा बोल करित कि भड़े ने गिरावत ले जाई छीट कलह रे भाई चल तू हूं हां तीनों को हटा दिया गया चौथा कब्र आवा बलका भरा कल करना कहीं तो तुझे का से हाथ सवार आवा तो हम गाड़ी आओ साला अबे पकड़ा जला बोलो ना छोटा के रे चंचल बा सुंदर बा शोक बा बड़ा बड़ा घुंघराला बाल पूछो कर आभा दे आधा बड़ा सात्विक इंसान लगा था आधा बाकी पान लगा था आधा में सात्विक लगा था आधा में सात्विक हाँ कहाँ करे हाँ कैसे दिल है टूटवाना छोटा कर सके सरकार कि छोटा बोला ऊंट को खाना अब मैंने सही बनाया हो कहा कैसे बनाया डगर में केवल एक तरफ की अब पत्ते ऊंट का खा रहा हो हरियाली में मतलब खेती लगा ला सरकार अब बिछवे में से पगडंडी रास्ता रहे वही में से उठवा कोई रहे जिनिया का अखिया ना रहे हरियर बजा हिहाल लटकल रहे नाच मरे रहे आ जिनिया का अखिया रहे सुखैल का बजावा अपने मन का छबैले रहे जात रहे चलो यही समझा के लिए लगा था कि हरियर माल छोड़ के सुखाल छबैले बा लगा था कि एक परगना कर नहीं खे ये भी परगना नहीं राजा जी चरहु के सब सम्मान हटा के व्यापारिया से कहे हां तोरू कोई जंगल में घूमत होई जाके खोज ले कोई ले बाजो ई हम दावा कह सकत हनी कि चारो बाल जोगी हुआ सब ई चारो परिचय तो बेटा भोज दो हुआ चारो राजा रतन सिंह का लड़का है बाबू मर गए कल राजा मत बाबू पानी पियो कह बाबू तो मर गए सबके बाबू मारी मुंह और सब मुंह ही आएल बा मुर्गी में तो मर गए तकलीफ का तकलीफ दे गई का चार का बेटा हमने का पानी का हिस्सा तीन को लिख के मर गए वाला तोरा के फैसला करावे ले कभी का भाव भाई हमार से हाय 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 हम कहिला कि ज्ञान का हराई ना हो राई दुनिया ज्ञान पर कटेला नहीं फांसी से छोड़ा अरे तर्क के प्रकाश से बचे है चारों दिया भैया तर्क के प्रकाश से बचे है चारों दिया आप व्यापारी को दिए नहीं पानी की भाजा अरे पूछने लगे राजा आज क्यों चले हुए से कैसे ये जाके बाबा दिया बाबा कहाँ राजा रतन सिंह का चारो हमें नरियाना कहाँ राजा रतन सिंह का चारो हमें नरियाना अभी साथी दिए बाबू की लिखा पगला ये पूछे खातिर आई हम ये करना हिस्सा पाते हम चारो राजा रतन सिंह का लड़का है जब बाबूजी मुहूर्त को तीनिए को हिस्सा लिखले माना दिमाग उनको पौड़िया गया तीन को हिस्सा लिखले माना एक को हिस्सा ना लिखले माना केकर हिस्सा हमने में पाया केकर ना एक फैसला करावे ले राजा के बुखार 103 डिग्री हो गए क्यों मैं कहां फैसला करा इनके माई बाप के कोख से चार बोले का एगो तो हिस्सा नहीं किए कैसे हो के निगलेट कर भाई राजा कहा ठीक है आज के सभा की कार्रवाई खत्म की जाती है और आप लोग खा पी के आराम विश्राम करिए सुबह है आप लोगों को फैसला उचित सुना दिया जाएगा गैला चदरा बोल के जलैया लेके बुखार आ गई कि ध्यान इज्जत छोल जाई का फैसला का सुनाई के कर कह दे कि नहीं थे तले राजा जी कर रहल ये कलंकी बिटिया
चला करूं कि मैं भी राजी है रस्ता हम फैसला कर राजा कोते वो फैसला हमारा तो मन करता कि हम कहीं मर डूब जाए ये ऐसा लेके आए पांच अगर नहीं हो फैसला सुनाए नगर में हल्ला हो जाता कला एकदम हुआ खा पी के सवेरे समय से अपना राज सिंहासन पर विराजमान होके ये अनाउंस कर दे कि हमारी बेटी फैसला है तो सुना देगी हमको क्या करना लेकिन एगो शर्त बा तोहर का कहे चर हुनके चार कोठरी पिया के बुढ़ा के बिछा के बढ़िया सेवा करके चार कोठरी में चारों के उच्चतम व्यवस्था देके सुतादा याद रहे कोठरी का दरवाजा अंदर से लॉक ना रहे राजा जी से निकल जैसे भगवान के आगे बाप तो माथा टेक हम पहचान चाहे तू राजकुमारी हो राजा का लेकी हो ये भाई का जरूरत हम हो राजा का लेका है ये भाई का जरूरत अर्ध रात्रि में तोहरा के कैसे पड़ल बहनी काशी बाबा आज जब इतना सुनलस तो आंख में आंसू आ गए थरिया में से एगो पान निकाल के हाथ धैलस कलस के भैया तोहर हाल चाल जाने खातिर खाना ठीक से खिला ये देखिए दोनों भाई बहन के बीच में जो रिश्ता होता है कितनी मजबूती और कितना धार दे दोनों कह के और वहां से निकल गए भाई आया सुकून से बड़का सुख लेकिन बड़का आया छोटका भी की है बात का है बड़का छोटका मतलब सरका की सरका वो दोनों कोठरी में गए तो वो को खाना सकी ये बहनी साक्षात सरस्वती हो दुर्गा हो लक्ष्मी हो कैसे तीनों के सम्मान देके और निकल गई घर से ये तीनों के बाद छोटका के पास गोरी गई में बम बम ढेकार ले था दोनों उसे हाँ आंख मुंह के सोचा था बढ़िया रोल बढ़िया बिस्तर
क्या मखमली बिस्तर, इतना व्यवस्था, हे एक सुंदर खूब तवले बिलार के धागे शिकार टूट गया छोटका के पास उठा के हे करे वाह क्या कहना है क्या कहना है आप कितनी सुंदर कैसी लग रही है मने मने गीत का वक्त सुन सब सुन प्यार की धुन लाया पटक दिया कहा करे हराम जादे छोड़ो मैं कौन हूं पहचानते हो कहा कुछ ना तो हमारे भाग और कर्म का हिस्सा हूं कह रहे मैं राजा की बेटी हूं सुबह तुम्हें फांसी हो जाएगी छोड़ दो परीक्षा में फेल आंख मुन ले बा कलश जोना में पास होता नहीं होके मरे के तो दुनिया की बाकार है मरे हाय गोलवा आराम नरेश ये बकुलिया दाल हुआ कैसे दहिना गोलो कहो ट्राई ले लिया सुना दहिना गोलवा परी दहिना गोलवा में डाल के अब फंसा के इधर तान दे तुमको उठल चाह बस खाली गोलवा टाइप कर दो कौन हो इधर कर फिर सूझ जाए ना विश्वास तो ट्राई मार के देख लिया अगर फांस कर कर काय दे हां तो जान जा के तो बाथरूम जाए मत ही कीड़ा फांस कीड़ा फांस हां तो कीड़ा मछली जिंदगी भर बर्बाद कहता डाल के ओए में फसवले बच्ची लात रहे मर गए अरे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो गले छोड़ी कह के इज्जत था अपन बचा लेना लेकिन छोड़ा था कब साल आई चार बजे भूत अरे जब छोड़ा ला सुना अरे दूर पर कूद के धाम धाम के बात तो भाग गया अपरा पकोर था के हाइसे उठा के हाइसे बताइया जा कैसो पहुंच गई थी बाप सवेर भयल नहा धो के तीनों भाई अपने कोठरी में से निकला थोड़ा आइए के साथ 103 डिग्री बुखार छोड़ता थे इतना हाथ पांव भी मर ली जान भी जाई और मनफामा भी पूर्ण नहीं थे का कर चल मेरा बरस मंगन कोई तेरे खाल उठाल मुसलमान के लिए कोई तेरे इधर बेरी आमत निकलल बहरे तीनों भाई कहा कारे कारे कैसा हाँ चलो कह कि भैया लोग अंतिम दर्शन तो हम को कर थन माफ कर दिया जब भैया कहा काहे को तो बोले कहले है का बहुत भयंकर भैया राजा जान जाई तो छोड़ी न मुआई बोला करे साथ सुनाए तो उन्हीं रहो तो हमने कसानी पानी कहले दिया मन के मंगन राजा रहे कल ही तो ना हुई जियत भर हिस्सा से कम कमाई ना हुई देना पड़ी हिस्सा मोर जे दिया
सवेरे दरबार सजगले आकर के चारों भाई खड़े हुए, राजा अनाउंस पर अनाउंस करवाओ थो कि ऐसा तैसा फैसला क्या है, ये फैसला तो हमारी बेटी सुना देगी। चंपा फिर चल सिंहासन आज खड़ा भाई दरबार खचा खचा। हाँ बेटी फैसला सुनाओ। क्या बाबू जी पहले है तीनों के एक लाइन में करा, तीनों के एक लाइन में कदल, छोटका के अलग कदल, छोटका बड़का भाई को ताक के हाथ जोड़कर भैया आखिरी आशीर्वाद दे दो भैया, आशीर्वाद दे दो, आखिरी आशीर्वाद दे दो भैया। भाग दिए अपन हिस्सा ना छुए, हिस्सा लड़की कहती है सीरे सजाओ माफी में लगा ताकि सोई गिर जाए ना जाए कि वो ताकत बोला तीन एकदम चुप। हमारी बेटी फैसला सुनाएगी, राजा अपने मन का जो हो मोच के मत में मार एक बार ऐसे ऐसे कहना सुना दे कि बेटी हमारी फैसला कहाँ हाँ बाबू सुना सुना है बाबू जी है सच्चाई का सच्चाई कि अरे राज कुंवर सबई नदीर नवा बाबूजी। ये जो तीनों बाबा सब राज कुंवर के लायक बाबा सब का मतलब मैं ही समझा, कहा कि राज कुंवर सबई तीनों मीर नवा बाबूजी तो ये छोटका के ना चाहिए आज से राजकुमार संगीत तीनों भी रनवा बाबू जी छोटका कहना चाहिए ताज सिंह जितना बुढ़ा थी सारे उतना धरिया थी का बात छोटका कहना चाहिए ताज सिंह सनवा बाबू जी राजा बिगड़ के लान करो खबरदार ऐसे तो हमारी कहा जबकि फलाना कहा या फलाना कहा इमोशनल हो गई काय बाबू जी आज जब लेके कितने से इमोशनल देखा तब जो आठ नम हो गई काय भाई बेटी कर आते कर धाम का बारिश छा जाएगा खाते इन हर के मोटा रहता है राजा कहना अकेला है। हाँ बाबू जी अकेला है कपाट ठोक के राजा दुबल वही अपने सिंहासन में कपड़ा अपन लगू कल बहुत गलती कर आगे बढ़ा कब बाबू जी पहले पहला के कोठरी में गए तो देवी सरस्वती माता पर हम कह के हमारा सम्मान कर लस राजा कल बाप आ बेटा बाप जाओ सचमुच राजा राजपुत्र हो दूसरा तीसरा कोठरी में गए नहीं यो कुल देवी सरस्वती लक्ष्मी और बहिन कह के हमारा सम्मान कर बाबू कल बाप बहुत सुंदर तीनों बेटा इतना मेरे बगल में बैठे लेकिन रोवे लगे कहे बाबू जी छोटका के कुछ छठी मुझे कहीं राजा बाबू तेज कह तो तकड़ा बन रहे बाबू जी कहीं नहीं खटिया पर से अपने कलम कसे कबड्डी कबड्डी करके दौड़ल आ उठा ले रो पर सिया के ले जाए कोई अपने पलंग पर लेटा दे राजा उठ के खड़ा होला कहे आगे बोल जल्दी बोल कहे बाबू अपने पलंग पर बेटी क्या कह रही हो यार इससे आगे कुछ कहना पर हम मर जाएंगे कल बाबू तुम्हें मरा वाला सिचुएशन ना मुबारा इज्जत के साथ समझौता ना कह दी कल लेकिन सारे की झल्ला निकल सर तलवार को छोड़ा दूसरा से ब्याह को साथ के कपार पत्थर देना से
चुअर मतन बड़का भाई को तकलस बोलत ना खाली तो कर इतना दिन का एक बात है कल और का किया बेटी आगे बढ़ाओ कह बाबू हम अपनी इज्जत ना गौली बचा ले किसी तरह से 4 बजे भोर में छोड़ लो कल कौन फांस लगा दे रहा है हमको उठी में धक गोलवा टाइट कर दे फिर पहुंच दे सूट जाएंगे 4 बजे भोर तक अपने गोद में बाहों में सुलाया रहा लेकिन मैं भी आपकी बेटी हूं अपने इज्जत के साथ मैंने समझौता नहीं किया अपनी इज्जत बचाई हूँ लेकिन याद रहे काल स्वयं पर रखवा तो लोगन गई है प्यात हुई कि राजा की बेटी तो किसी पराये पुरुष के साथ एक रात बिता चुकी है राजा कह रहे कि साले को खड़े खड़े पहले लंबा लंबा चीरो गर्मा गर्म एकदम हिलत और गंगन गंगन घर की सरकार ऐसा मत करा आरा मत चलावा राजा मोरम धज को भूमिका मत बनावा हमों को बेटे सीधा गर्दन काटना सरकार दूसर का जल्लाद रहा दूसर का जल्लाद आउ दोगला रहा नीचे से एक एक पिता के काटे शुरू करा था हाँ जी तो है ऊपर से सरवा अपन कटा देखो लड़के का ला कोई कुछ नहीं करेगा खड़ा था सब सब साइलेंट कहा कैसे कैसे कि नेक नजर वाला होना चाहिए राजपुत्र हो राजा का बेटा कैसा होना चाहिए कैसा नेक नजर वाला होना चाहिए राजपुत्र हो अरे छोटा के दे दे तू हमार मंगलसूत्र हो अरे नहीं तो मारी दुनिया में अब वक्त का तकाजा यही कह रहा था कि ये तीनों जाने के राजधानी भेज दिए आई छोटका के हमार मंगल सूत्र करके हाथ से बनवा दे राजा गद्दी पर दिन में बेहोश हो गया जल्लादन के हाथ से कुछ छूट कर खंजर मंजर इतने जल्लाद को भोंग के कहा लगा कि पाहुन ठीक से रही हाँ लेकिन ये जब कहा जल्लाद हम चीज़ कर ला जल्लादवा ताकि पाहुन खतरा चल गला बहुत जल्लादवा बहुत पाहुन पाल कहे पाहुन ने कम आप निश्चिंत रहे पाहुन आपको बाल ना उठे बांका हो हम तो ना काट जब वही नहीं कोई जलस किल के मंगल सूत्र से ना तो आप तोहे जीजा मान ले अभी साला तकले बाप ने उचार तीनों भाई का कहा बड़का से कहलस ठीक है चलो एक राज में 3 जने बंटवारा करा यहाँ अकेला करा जा है आई तो बैठा हूँ गदिया पर इनका दरिया देखे हिला के उतार के बता हवा तो हो जाता लेकिन एकलौती बेटी के राजा सतिया बचाए और छोटका के हाथे हाथ बेटी के धराए विजयी लाल कविता करा सहेली